वेलकम टू माई न्यू वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं इस पर टिप्स और ट्रिक्स वाला वीडियो डालता रहता हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप सब कैसे अपने हवाई राउटर का जो रेंज होता है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उस स्टेप की तरफ। जैसे कि आप अपने मोबाइल या पीसी में अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। जैसे मेरा में है क्रोम, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपके राउटर के पीछे जो दिया गया होगा डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस, उसको आप यहां पर टाइप कीजिएगा। जैसे कि मेरा में दिया गया है, मैं वो टाइप कर लेता हूं। जैसे कि 192.168.18.1, ये मेरा नया हवाई राउटर है, उसका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है। इसको इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यूज़र नेम में आप यहाँ मैं जो दे रहा हूँ वही दीजिएगा। जैसे कि मैं देखिए मेरा शो भी हो रहा है, EPUSER यूज़र, और पासवर्ड में इसका जस्ट उल्टा दीजिएगा, USER यूज़र EP, और इसके बाद इसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर ये हवाई राउटर का ये मॉडल वाला जो देख रहे हैं, यहाँ पर मॉडल शो कर रहा है, इसका होम पेज है ये। देखिए यहाँ से आप अपने वाईफाई में कनेक्टेड डिवाइस देख सकते हैं। जैसे कि मेरे में देखिए अभी 4 दिखा रहा है कनेक्टेड डिवाइस। इस पर क्लिक करने पर आपको डिवाइस शो करेगा। देखिए यहाँ पर मेरे में डिवाइस शो कर रहा है, तो वैसे ही आप अपने में भी डिवाइस देख सकते हैं। चलिए चलते हैं उस स्टेप की तरफ जिससे आप अपने वाईफाई का रेंज इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगेगा आपको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए चलते हैं। जैसे कि आप सब देखते हैं यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन है, तो इस एडवांस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो हो रहा है, उस ऑप्शन में से आप डब्लू लाइन जो है उस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इसका जो ऑप्शन है वो शो हो रहा है। जैसे कि देखिए मेरा SSID 1 चल रहा है, तो इसका रेंज इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए डब्लू लाइन एडवांस दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपको। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं TX पावर दिया गया है। इस TX पावर में जाइए। TX पावर में जाने के बाद देखिए यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है। इस परसेंटेज में अगर आपका जो 100 से कम है, 100 से कम है, तो आप उसको 100 करिए। अगर 100 नहीं है तो आपका इंक्रीज नहीं डिक्रीज़ है रेंज, उसको इंक्रीज़ करने के लिए आप 100 कीजिए। और यहाँ पर देखिए चैनल का जो मोड होता है वो ऑटोमेटिक ही रहने दीजिएगा, और चैनल विथ जो ये है उसको भी आप चेक कीजिए। उसको चेक करने के बाद देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 दिया जाता है, एक ऑटो होता है और एक 20 MHz और एक 40 MHz। तो आप इसको ऑटो पे करिएगा, तो आपका रेंज जो होगा समय के यानी कि टाइम के हिसाब से आपको कुछ ज़्यादा कुछ कम भी होगा, लेकिन इससे रेंज ज़्यादातर इंक्रीज ही रहता है, तो इसीलिए इसको चूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर जो ये दो ऑप्शन आप चेक करने के बाद यहाँ पर ये दो ठीक है, तो आपका रेंज इतना ही होगा, उससे ज़्यादा राउटर का रेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आप अपने राउटर का रेंज चेक करके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करके प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।